काजल का बड़ा सा छिछौना लगा करके और नारायण का छोटा सा तांबूल प्रसाद मुख में ले करके और कलयुग आदि कराने के बाद फिर बड़े प्रेम से आशीर्वाद देकर सिर पूर्ण करके अब भेजती है कि जाओ लाला बलुआ के साथ साथ जाना, जाओ गैया चराया हो लेकिन बेटा तुमको जंगल में घूमना नहीं, बहुत जल्दी आ जाना। माँ बच्चे का हाथ देख कर भेज तो देती है लेकिन माँ का मन वही लगा रहता है कि कर्मा कहाँ गया होगा। नौकर चाकर हजारों में तब भी इसकी मानता नहीं, गईयों के पीछे जाने की जिद कर लिया, इसको जाने की क्या आवश्यकता थी। मैया ये सोच रही है और भगवान श्याम सुंदर आज प्रथम दिन घर के बंधन से छूट करके श्री राधे घर के बंधन से छूट करके आज प्रथम दिवस श्री भगवान निकले हैं वन की ओर सखाओं के साथ चले। तो उस दिन भगवान श्याम सुंदर के हृदय में विशेष आनंद आया, इतना आनंद आया भक्तों, इतना आनंद आया, इतना प्रेम उमड़ा कि वह आनंद थामे नहीं थमा, वो प्रेम संभाले नहीं समझा। जैसे आप लोगों को किसी विशेष घटना पर किसी के मिलन से अति प्रेम उमड़े तो आप रोक न पाओ और आंखों से आंसू प्रेम की अधिकता के कारण गिरने लग जाएं, ऐसे ही कन्हैया के रोम रोम से प्रेम फूट रहा है और कन्हैया दौड़ रहा है तेजी से और लगा कि हृदय का सर्वानंद सारा आह्लाद निकला चला जा रहा है और भगवान दौड़ रहे हैं। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे हृदय का आह्लाद ही निकल के आगे भागा जा रहा और भगवान दौड़े चले जा रहे हैं और बहुत तेजी से जब दौड़े तो उन्होंने देखा कि हृदय का आह्लाद निकल करके यमुना के किनारे एक गोरी सी छोरी खड़ी थी, उसी में चला गया। ये कौन? ये श्री राधा रानी। अब जाकर के पास में पूछा, अजी हमारी कोई चीज मिली है आपको? राधा जी ने कहा, हमने चुराई तो है नहीं, अब हमको मिली है तो मैं क्या करूं, तो हमको दे दो। श्री जी ने कहा, नहीं वो ऐसे नहीं मिले। तो वहां पर श्री राधा का और कृष्ण का जमुना पुलिस पर तट पर मिलन होता है, उस मिलन में दोनों ऐसे एक हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं कि परस्पर मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई, बिल्कुल ऐसा संपूर्ण मिलन हुआ है कि जब वहां से जाने लगे अपने अपने घर तो देह का ख्याल रहा नहीं। कन्हैया राधा रानी की नीली ओढ़नी दुपट्टा ओढ़े चले गए और श्री राधा जी भगवान श्याम सुंदर का पीला पीतांबर ओढ़े घर चले गए। और जब पहुंचे हैं भगवान श्याम सुंदर घर तो मैया यशोदा ने कहा, हे कन्हा ये कौन सी ये कन्या की ओढ़नी दुपट्टा और किस आया है, ये नीलम की ओढ़नी कैसी ओढ़ के आया? आप भगवान का ध्यान गया उधर, अंदर अंदर तो बड़े न जाए लेकिन मैया के सामने कुछ बात बनानी पड़े, इसलिए कहा, मैया बात ये थी कन्या वहां पर आई थी वृषभान जी की बेटी और उसकी ओढ़नी यही उसी की है, हमारी मरखनी गैया सींग में फंसा के लेके भाग गई, अब वो बेचारी रोने लग गई तो मैंने फिर अपना पीला पीतांबर उसको दे दिया, हमने कहा ले जा तू यही, अब वो तो चली गई गैया तो जंगल में भाग गई। बाद में गैया कई घंटे के बाद पकड़ में आई तो मैंने सींग से छुड़ाई, तो मैंने सोचा उसकी ओढ़नी छूट न जाए खो न जाए इसीलिए मैं अपने साथ लिए चला। ये बता दिया ये छोटा मतलब। इधर कीर्ति ने जब देखा कि राजा रानी पीतांबर ओढ़े आई तो कीर्ति माता ने पूछा, ललित तुझको क्या हो गया, कौन से छोरा का पीतांबर ओढ़ा है? राधा की निगाह पड़ी,
राधा जी ने कहा, मैया मैं फूल चुनने के लिए गई थी जमुना तट पर सूर्य पूजा के लिए, और वहां मेरी सहेलियां गई थी। ऐसी जोरों की हवा आई कि मेरी ओढ़नी जो थी उड़ के जमुना में बह गई। तो अब मैं क्या करती, मैं रोने लग गई। तो वहां एक नंद का बेटा था, उसने कहा तुम मेरा पीताम्बर ले लो, तुम मेरा पीताम्बर ले लो। मैंने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वहां जितने लोग थे सब कहने लगे बेटी ले ले, ले ले बेटी, कोई बात नहीं लगी, ये प्रेम से दे रहा ले ले। तो सब लोग कहने लगे तो मैंने उसका ले लिया और लेकर के आ गई। तो कीर्ति माता कहने लगी बेटी अब उसका पीताम्बर तुमने ओढ़ लिया है, तो अब ओढ़ा हुआ क्या दोगी, नया पीताम्बर उसको दिया। राधा जी मनी मन खुश हो गए, नया पीताम्बर मंगा करके श्री राधा रानी के हाथ में कीर्ति माता ने दिया और कहा ये पीताम्बर नंदगांव जा करके दे आओ उसको, उसका पीताम्बर तुम ले आए तो नया दे आओ। भगवान बैठे तो हैं आंगन में, लेकिन कान उनके आंगन के बाहर है, सोच रहे हैं पीताम्बर ले गई है तो लेके आएगी। और तब तक श्री जी ने बाहर से आवाज लगाई, श्याम सुंदर के नाम को उच्चारण किया, भगवान दौड़ के बाहर गए। यशोदा ने कहा कड़वा कहाँ चला, अरे मैया ऐसे कोई बुला रहा, और बाहर गए और देखा श्री जी आई है। तो राधा जी को अंदर ले आए, मैया मैया ये वही लली है, ये वही छोरी है जिसकी मैं ओढ़नी लाया था। और अंदर बड़ी सपचाती शर्माती लजाती हुई श्री राधा रानी आई और उनको गोदी में उठा लिया यशोदा माता। गोदी में उठा करके यशोदा माता ने कहा लली तुम कैसे आई, कहा मैया ने ये पीताम्बर नया मंगा के दिया है, ये श्याम सुंदर के लिए, और दे दिया जब पीताम्बर तो गोदी में लेकर के यशोदा रानी राधा का श्रृंगार करने लगी। राधा का श्रृंगार किया, उनकी बेटी का गुंथन किया, केश को संभाला, और उसके बाद बड़े प्यार से गोदी में लेकर के ऊपर देख करके करी हे विधाता यदि मेरे कन्वा को ऐसी बहू मिल जाए, यदि मेरे कन्वा को ऐसी दुल्हन मिल जाए तो इसके भाग्य खुल जाए, लेकिन इस काले कलूटे को कौन ये बहू दे। ये खबर पहुंच गई ब्रिश्वान जी के घर। ब्रिश्वान जी के घर जब खबर पहुंची तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये छोटा रानी चाहती। उन्होंने कहा थोड़ा और कुछ मालूम किया जाए, परिचय हो तो कन्या की शादी वही कर दी जाए। अब भक्तों लीला बहुत है और रात का प्रसंग सुनाओ कि ये चलो थोड़ा समय अधिक लग जाएगा, लेकिन दोनों चीज थोड़ी थोड़ी सुन लो, बहुत ही सरस वार्ताएं हैं। तो श्री राधा रानी से कृष्ण के विवाह की तैयारी थी, लेकिन भाई अच्छे काम में रोड़ा अटकाने वाले भी बहुत होते हैं दुनिया। कोई कोई ऐसे होते हैं कि दूसरे का काम बिगाड़ने में उनको आनंद आता है। तो उन्होंने आकर के कीर्ति माता से कह दिया कीर्ति तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, कन्या को भिखमंगे के साथ प्यार रही हो, उसके घर में क्या रखा है, कुछ नहीं उसके पास, आदत भी खराब है, चोरी करता है। कीर्ति माता ने ब्रिश्वान जी से कहा मुझे पता चला है नंद जी के घर में कुछ है नहीं, बहुत गरीब है। ब्रिश्वान जी ने समझाया तुझे किसी ने बका दिया, और बहुत गरीब नहीं है वो, मंडलिक ना अपने गांव के गरीब कहते हैं, लेकिन उसके कान में जो बात पड़ गई अब वो विश्वास हो गया उसको। तो कीर्ति माता ने कहा बेटी को हम ऐसे नहीं प्यार देंगे, हम उसकी जांच करेंगे कुछ है भी उनके घर में। तो बड़े बड़े पांच मोती शुद्ध मोती आर्टिफिशियल मोती मिलते हैं, शुद्ध मोती जल्दी मिलते नहीं, मिलते भी हैं तो नन्हे नन्हे, बड़ा मोती बढ़िया किस्म का सच्चा रियल मोती मिलना मुश्किल है,
और मिल जाए और सच्चा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो कीमत बहुत होती, बहुत जितना बड़ा उतनी कीमत। तो पांच मोती बड़े बड़े कीर्ति माता ने नंद के घर भेजा और कहा, जैसे मैंने पांच मोती भेजे ऐसे दस मोतियों का हार मेरी बेटी के लिए बनवा करके आप भेज देना, मैं शादी के लिए जल्दी तैयारी कर रही हूँ। उन्होंने सोचा पता चल जाएगा कि घर में कुछ है कि नहीं। आज जब ये खबर मिली है तो ये छोटा रोने लगते हैं, पांच की जगह मेरे घर में तो दो एक भी मोती इतने बड़े नहीं, मैं कहां से हार बनवाऊं, इतने उदास की भोजन तक नहीं कर रहे। भगवान ने कहा भैया इसलिए रो रही है तू, लाला तेरी शादी की जुगाड़ मैंने बनाई थी लेकिन ऐसी कठिनाई आ गई कि अब मेरे पास तो पांच मोती दस मोती कहां से मिले, तो बहुत कीमती मोती। भगवान ने कहा भैया जरा सी बात के लिए तू दुखी होती है, इस वृंदावन की धरती तो दिव्य है ना, यहाँ क्या कठिनाई है। मैया यहाँ तो जो भी चीज बो दे वही पैदा हो जाता है, तो मोती बो दे मोती पैदा हो जाए। ये चौदाने का पगला है, मोती समुद्र में पैदा होता है, वृंदावन में बोने को नहीं पैदा होता है। मैया तो ये पांचों मोती हमको दे दे मैं बो दूंगा। यशोदा ने कहा तू खोजेगा इसको तो वापस करना पड़ेगा। अच्छा मैया तो मैं बाहर नहीं ले जाऊंगा, यही तेरे सामने आंगन में बो देता हूं। भगवान ने वही आंगन में धरती खोद करके और पांचों मोती धरती में डाल दिए और पानी डाल दिया जमुना जी का। बोले कल देखना। दूसरे दिन अंकुर निकल आया, चमचमाते हुए सफेद अंकुर। अगले दिन वो हाथ हाथ भर लंबे पेड़, और तीसरे दिन तो उसने फूल भी लग गए, चौथे दिन फली मोटी मोटी लगी, पांचवे दिन फली पक गई और फूल गई और मोटी झड़ करके पूरा आंगन भर गया। और तब गोपाल जी कहा बोरी भर भर के भेज दे, पांच दस मोटी नहीं बोरी भर भर करके भेज दे जितना तू चाहती है। और बोरी भर भर करके मोतियों की जब भेजी है माता यशोदा ने, कीर्ति ने कहा मेरे घर तो पांच ही थे, उनके घर तो बोरियां भर करके आए इतने मोती। इसलिए कन्हैया की शादी जरूर बेटी के साथ करनी है, लेकिन भाई शादी के लिए तो अभी कन्या बहुत छोटी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत छोटी कन्या है। किंतु शाम शाम का मिलन होता रहा ना, वे नित्य किशोर है, देखने में छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन नित्य किशोर है। संकेत वन है, संकेत वन में ठाकुर जी संकेत करते हैं। अब ये अष्टयाम लीला से संबंधित विषय है, इसको मैं कल सुनाऊंगा, नहीं तो सब महाराज यही रह जाए। इसलिए अष्टयाम लीला और संकेत की बात कल बतलाऊंगा, अब आपको थोड़ी सी एक लीला और सुनाकर महाराज में ले जाऊंगा। श्री भगवान और राधा रानी की कई लोगों ने बुराई की, बहुत लोगों ने बुराई की, ये बच्चे जो हैं ठीक नहीं। और ये बुराई में सबसे आगे माताएं थी, माताओं बुरा मत मानना सच्ची बात है, सबसे आगे माताएं, कन्या की बुराई थी, राधा रानी की बुराई हुई तो कृष्ण उदास हो गए। श्री राधा ने रुदन करके कहा कन्हैया मेरी बुराई बहुत अधिक हो रही। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैं सारी बुराई को समाप्त करूंगा। श्री जी ने कहा श्याम सुंदर अब आप जानो जैसा उचित वैसा करो। भैया अगले दिन भगवान श्याम सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया भगवान को। ऐसा बुखार चढ़ा कि बढ़ता चला जा रहा है, एकदम अग्नि जैसा माथा तमतमा रहा है, कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है, किसी प्रकार का इलाज उपचार सफल ही नहीं हो रहा है। बाबा रुदन करने लगे, एकता मैया ने भोजन जब सब छोड़ दिया, पूरे गांव नंद बाबा के पूरे नंद गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा है,
सब लोग दुखी निराश था। एक दिन सबका रोते धोते ही पीता, अगले दिन भी वही हालत, सुधार कुछ भी नहीं। प्रातः काल बच्चे माथा पकड़े रोते रोते बैठे हैं आकर के बाहर रास्तों पर, क्या करें, कहां जाएं, किसको बुलाएं। कनुआ बीमार हो गया, ऐसी बीमारी की कोई दवाई नहीं काम कर रही। बालकों ने देखा मथुरा जी की ओर से एक पंडित जी आ रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े, कान पर पेंसिल रखे हुए हैं, बगल में पोथी दबाए हुए हैं, लंबी धोती एड़ी तक की पहने हुए हैं, एक हाथ में माला भी लिए हुए हैं, बड़ी सी पगड़ी सिर के ऊपर बांधे हुए हैं, माथे में तिलक लगाए हुए हैं। पंडित जी कुछ धीरे धीरे गुनगुनाते भजन करते चले आ रहे हैं। बालकों ने प्रणाम किया, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, कौन है आप, कहाँ से आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा, मैं मथुरा से आ रहा हूँ, मैं मथुरा का प्रसिद्ध वैद्य हूँ। बालकों ने कहा, वैद्य है आप, कोई बीमार हो गया आप इलाज कर देंगे। हाँ क्यों नहीं करूंगा, मेरा तो काम ही है। बालकों ने कहा, हमारे गांव के मंडली महाराज नंद बाबा का बेटा कृष्ण बीमार है, उसका इलाज कर दो महाराज। वैद्य बोले गए, वैद्य जी गए, चारपाई पर बैठ करके रोगी की नाड़ी टटोले और नाड़ी टटोल के बोले, इलाज बहुत मुश्किल है। और एक बात पहले बता दूं आपको, रोगी और वैद्य दोनों एक ही हैं। रोगी ने ही वैद्य का भी रूप धारण किया है। वैद्य ने कहा, इलाज बहुत मुश्किल है। अरे महाराज क्या मुश्किल, ये तो बताओ क्या इंतजाम करना होगा। बोले, नंद जी यमुना का जल लाना पड़ेगा। अरे महाराज ये कौन सा मुश्किल काम, कितना चाहिए मंगा दो। नहीं ऐसे नहीं लाना, कच्चा घड़ा कुमार के यहां से मंगाओ, उस कच्चे घड़े में 108 छेद करो, उसमें जल लाना पड़ेगा। अरे महाराज तो सीने से कह दो महाराज की इलाज ही नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इलाज तो होगा, मिट्टी का कच्चा घड़ा जो पकाया नहीं गया है उसमें 108 छिद्र करो, यमुना जल आएगा, यमुना के इस पार से नहीं उस पार से आएगा, लेकिन ला पाएगा कौन, ये सुन लो पहले। हाँ महाराज अब आप ही बता दो, हमारे यहाँ तो कोई लाने वाला नहीं। महाराज तो घड़ा गल जाएगा, पानी गिर जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, जल आ जाएगा, किंतु वही स्त्री ला सकती है जो सच्ची पतिव्रता और सती नारी, मन वाणी शरीर से सच्ची पतिव्रता और सती हो, वही कच्चे घड़े में 108 छेद करके जल लाएगी। लेकिन ये भी याद रखना, ऐसे नहीं लाना है, रोगी के सिर का बाल एक लत काटा जाएगा और एक एक बाल जोड़ करके बाल का केश तंतु लंबा बनाया जाएगा। यमुना के इस पार एक फूटा गड़ेगा, एक फूटा उस पार गड़ेगा, केश के एक किनारे को इधर बांधा जाएगा, एक छोर को उधर बांधा जाएगा। वो सती तपस्विनी पतिव्रता स्त्री जो होगी, वो उस घड़े को सिर पर रख करके उसी केश पर चलती हुई चली जाएगी और उस पार जा करके जल भर करके लाएगी। उसी जल में मैं दवाई धो दूंगा और रोगी को स्नान कराया जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज वैद्य जी ये हमारे गांव में तो हो नहीं पाएगा। बोले, नहीं नहीं आपको नहीं करना, आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया माताएं सती तपस्विनी और पतिव्रता है, उनको बुलाओ और पूछो कि तुम में से कौन सी ऐसी पतिव्रता और सती है जो ये काम कर सकती है। सब बुढ़िया माताओं का चेहरा नीचे झुक गया, उन्होंने कहा मेरे बस का ये नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। वैद्य जी ने कहा, ये नहीं कर पाएंगी तो कोई ना कोई तो होगा ही जो कर सके। अब महाराज कौन है आप क्या जाने। बोले, मैं ज्योतिष भी जानता हूं। वैद्य जी ने कहा, मैं ज्योतिष शास्त्र भी जानता हूं।
सकता हूँ, मैं ज्योतिष के आधार पर गणना करके बताऊंगा कि तुम्हारे गांव में आड़ोस पड़ोस के गांव में कौन ऐसी है। अच्छा महाराज, अब आप ही बता। गणना करके उन्होंने बताया, हाँ एक है, उसका नाम है राम, राक्षस है। अरे महाराज आगे का भी एक आध अक्षर बताओ। बोले अब एक ही अक्षर आगे है, दूसरा अक्षर धा है। राधा नाम की कोई है? नंद जी ने कहा तो मेरे मित्र की लड़की है, मेरे मित्र विश्वांगी की बेटी है, उसी को बुलाओ। वैद्य जी ने कहा। और जब राधा आई तो वैद्य जी ने कहा राधा यही है। हाँ यही है, हमारा ज्योतिष बताता है कि इससे बढ़कर के तपस्विनी, इससे बढ़कर के सदाचारिणी, इससे बढ़कर के संयमी, इससे बढ़कर के पतिपता और सती कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। अब माताएं सोचने लगी, हमने तो बड़ी बुराई की थी, हमने तो बहुत इनकी बदनामी फैलाई थी। राधा जी से कहा वैद्य जी ने, राधा इस मरीज के इलाज के लिए कच्चा घड़ा मंगाया गया है, उसमें 108 छेद है। इनके केश का तंत दो फूटे गाड़ कर इस पार उस पार जमुना जी के ऊपर बांध दिया गया है, तो इस घड़े में जल भर करके लाओ, तभी इनका इलाज होगा। राधा ने उस घड़े को अपने सिर पर रखा और सिर पर रखने के बाद जहां केश तंतु दो फूटे में बंधा हुआ था, वहां श्री राधा रानी पहुंची है। भक्तों माताओं बुरा मत मानना, ये कथा आपकी बुराई के लिए नहीं, ये श्री राधा की महिमा के बखान के लिए सुनाई जा रही है। इसमें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये भगवान और भगवान की आराधनी शक्ति की महिमा के बखान के लिए कहा जा रहा है। इसमें किसी की निंदा का उद्देश्य नहीं है। श्री राधा रानी ने वो घड़ा अपने सिर पर रखा और केश जो बंधा हुआ था, एक केश, उस केश को श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया। हे श्याम सुंदर, मैं आपके सिर के केश के ऊपर पांव नहीं रखना चाहती, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपकी सेवा करने के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, मुझे क्षमा कर देना। भगवान के केश को प्रणाम किया श्री जी ने, केश पर चढ़ करके श्री जी उस पार गई है और जाकर के कच्चे घड़े को, 108 छिद्र वाले घड़े को श्री जी ने भरा है और भर करके पुनः केश को प्रणाम किया और उस घड़े को लेकर के केश के तत्व के ऊपर चढ़ करके श्री राधा जी जल को भरे हुए बड़े आनंद के साथ कृष्ण का नाम गाती हुई चली आ रही है। जब जल के घड़े को उतारी, वैद्यराज ने तुरंत बूटी घोल करके और कृष्ण को स्नान कराया। स्नान कराते ही श्याम सुंदर ने नेत्र खोल दिए। आज जब श्याम सुंदर ने नेत्र खोले तो यशोदा मैया, नंद बाबा, सब सखा, सब गोपियां खुश होकर मिलने लगे। अब कुछ देर तक तो याद ही नहीं रही कि वैद्य को दक्षिणा देनी। थोड़ी देर के बाद नंद बाबा को याद आया, वैद्यराज को दक्षिणा दी जाए, पूछो कितनी फीस हुई उनकी। लेकिन जब खोज की तो वैद्य का कोई पता पता ही नहीं। वैद्यराज जी कहां चले गए कोई ज्ञान ही नहीं किसी को, कब गए कहां गए कोई पता नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने इस लीला के द्वारा राधा की जो बदनामी, जो कलंक, जो आक्षेप, जो निंदा बोलत हो रही थी, वो सब का मार्जन कर दिया है। वही श्री जी आज अपनी संपूर्ण सहेलियों को लेकर के आई हैं और भगवान श्याम सुंदर के पास शरद पूर्णिमा की रात्रि में बैठी। नित्य श्री भगवान के साथ राधा जी की लीला होती है। थोड़ी सी वार्ता और सुना कर आगे चलता हूँ। अष्टयाम लीला की बात तो कल सुनाऊंगा प्रातः का। भगवान श्री राधा कृष्ण का जो नित्य मिलन होता है, उसमें कभी
कभी मान होता है, कभी प्रणय होता है, अलग अलग प्रकार का स्वरूप आता है। कभी श्याम सुंदर राधा जी के स्नेह को देख करके उनकी सेवा करते हैं, कभी श्री राधा जी सेवा करती हैं। भक्तों, श्री राधा जी की सखियों के विषय में तो मैंने आपको बताया था, गलत अभिषेक का चंपक होता है, लेकिन एक युद्ध पृथक है। यदि भागवत जी में चर्चा हुआ नहीं, भागवत जी में किसी गोपी का नाम नहीं, किसी गोपी का नाम नहीं लिखा, ये गोपी, एक अन्य गोपी, एक अन्य गोपी, ऐसे बताया गया। तो एक दूसरा युद्ध है गोपियों का, वो चंद्रावली गोपी का युद्ध। ये चंद्रावली गोपी जो है, ये राधा जी से सापत्न्य भाव रखती है। ये भक्ति मार्ग में स्तुत्य कब माना गया, इसलिए की कथा कब कही जाती है, लेकिन ये राधा जी से सापत्न्य, सापत्न्य का मतलब सौतिया भाव, सापत्न्य भाव रखती है। और इनके अंदर भी कृष्ण से प्रेम है, इसलिए कभी यदि कृष्ण चंद्रावली के पास चले जाते हैं तो बस राधा जी नाराज होकर बैठ जाती है। चंद्रावली के पास प्रभु कम जाते हैं तो चंद्रावली क्या करती है, एक बार तो वह भादव के शुक्ल पक्ष की चौथी को चांद को पूजने चली, भादव की शुक्ल पक्ष की चौथी के चांद को देखना भी कलंक को निमंत्रित करना, लेकिन वो चंद्रमा का पूजन करने चली। नारद जी ने पूछा, है चंद्रावली, आए भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्र को तो कोई देखना भी नहीं चाहता, तो पूजन करने चली है, जानती नहीं कलंक लग जाएगा। चंद्रावली ने कहा, देवर्षि, मैं यही तो चाहती हूँ कि कन्हैया के साथ मेरे ऊपर कलंक लग जाए, दुनिया के साथ कलंक लगने की मुझे कोई इच्छा नहीं, लेकिन कन्हैया से मैं कलंकित ही हो जाऊं, कलंक ही लग जाए तो भी मुझे पसंद है। इनका सापत्न्य भाव है, सापत्न्य भाव के कारण जब भगवान चंद्रावली के पास चले जाते हैं तो राधा रानी रूठ करके बैठ जाती है। और जिस दिन राधा रानी रूठती है, उनका विरह सत्ता, उनकी विरह ज्वाला इतना भयंकर रूप धारण करती है कि शरीर लगता है चल रहा है, फूट रहा है। और तब गोपियां जाती हैं और जाकर के श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम सुंदर, श्री जी तुम्हारे लिए कितनी व्याकुल हो रही तुमको पता है? तो भगवान पूछते हैं, गोपी तुम बताओ कैसी उनकी स्थिति है? तो वो सखी बताती है, निंदति चंदन मिंदु किरण मन बिंदति खेतम धीरम व्याल निलय मिल नैन करल व्यु मिलयत शरण विकारम कवि रहे तव दीना माधव मन सिज विशिख भया दिव भावनया त्वई दीना। हे प्रभु, आपके विरह में राधा जी कितनी संतप्त हो रही है, ऐसा लगता है महाराज कि व्याल निलय बिलमीन गरल में कलियति मलय शरीर समीरम, जैसे व्याल निलय हो, जैसे सांप की फुंकार गर्म गर्म हो, ऐसे उनको शीतल हवा गर्म गर्म लग रही महाराज। चंदन का लेप उनको झुलता लगता है, अग्नि उनको छुआ दी गई है। महाराज ने आपके विरह में अत्यंत संतप्त है, प्रभु श्याम सुंदर राधा जी के पास आप क्यों नहीं चल रहे हैं? राधा जी आपके विरह में कैसी है महाराज, आपको पता है? भगवान पूछते हैं, कैसी है तुम बताओ? तो वो गोपी बताती है, महाराज अविरल निपतित मदन शरादि भव तव नाय विशालम स्वहृदय वर्मणि मर्म करोति सजन नलिन तल जालम माधव मन सिज विशिख भया देव भावनया त्वई लीना। हे प्रभु, वे अपने हृदय को महाराज गीले गीले कमल के पत्ते से जलन को कम करने के लिए ढक रखी है, लेकिन वो कमल का पत्ता भी महाराज
वो सखी बताती कन्हैया कि तुम्हारी तरफ जाने के लिए तो तैयार होती है, लेकिन जब खड़ी होकर चलती है तो क्या स्थिति होती है? सुनो प्रभु। प्रतिपद मित मापी नीत दर्ज माधव तव चरणम पतिताव त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधाति निरपि तनु ते तनु दाव सविरहे तव दीन माधव मन सिज बिलिख भरा दिव भजन रा त्वयि दीन। लेकिन जब चलती है तो प्रतिपद उम्मीद बापू जोगबंदी माधव एक एक कदम पर आपका नाम लेकर जोरों से उठाती है और महाराज फिर गिर जाती है पृथ्वी पर और गिरने की बात आपके ध्यान में खो जाती है और कृष्ण ने पूछा ध्यान में और क्या अनुभव करती है? वो सभी कह रही है कन्हैया राधा रानी ध्यान में आपके साथ विभिन्न प्रकार के अनुभव करती है और तब चिल्ला करके कभी रोती है कभी हंसती है और कभी विलाप करती है। महाराज वो स्थिति उनकी कैसी होती सुनिए। ध्यान लये पुरह परिकल्प भवन्ति मतीव दुरापम पति हसति विषीदति रोदति चंचति मुंचति तापम साविरहे तव दीना माधव मन से जो विशिख भया देव भावन आत्वै लेना। हे माधव वे आपके लिए ध्यान में भी अत्यंत पीड़ित होकर चिल्लाने लग जाती है रोने लग जाती है कभी हंसने लग जाती है। हे श्याम सुंदर जल्दी चलो और जब बार बार गोपी ले जाती है तब भगवान श्याम सुंदर राधा की विरह का दशा समझ करके फिर राधा से मिलने के लिए चलते। और कभी कभी ऐसा होता है कि श्री जी ठाकुर जी से रूठती और सखियों को कह देती है कन्हैया को मेरे पास आने मत देना, मेरे पास गोपाल को आने नहीं देना, मैं उसको देखूंगी नहीं, उससे बात नहीं करूंगी, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। बड़ी नाराजगी में श्यामा जी इस प्रकार से बोलती हैं, तब श्याम सुंदर की हिम्मत नहीं होती पास में जाने। तब श्याम सुंदर धीर समीर घाट पर बैठ करके राधा का नाम जपने लग जाते हैं और राधा का नाम जपते जपते राधा के नाम का कीर्तन करने लग जाते हैं। ये माधुरी भाव की मैं रस की बातें आपको सुना रहा हूँ। फिर गोपियां श्याम सुंदर के पास से जाती हैं और जाकर के राधा के पास पहुंचती हैं और कहती किशोरी जी नाराजगी इतनी अच्छी नहीं है तो आप चलो कन्हैया के पास। कन्हैया तुम्हारा नाम ले लेकर कैसे गा रहे हैं तुमको मालूम है, किस तरह तुमको पुकार रहे हैं तुमको पता है। तो श्री राधा जी पूछती गोपी तू क्या देख करके आई, तो अपने आंखों से जो देख के आई वो बता दे। तब वो गोपी बताने लग जाती है श्री जी मैंने आप अपनी आंख से देखा है रति सुख सारे गति सारे मदन मनोहर नगर गमन मनु सर तम हृदय धीर समीरे जमुना तीरे वसति बने बन मानी गोपी करने वाली अभिसार के समय का परित्याग मत करो, अभिसार के मंगलमय अवसर को तुम उपेक्षित मत करो। हे श्री जी चलो धीर समीर घाट पर जमुना के किनारे श्याम सुंदर तुम्हें पुकार रहे हैं चलो जल्दी चलो। तो श्री राधा पूछती है सखी इस समय श्याम सुंदर जब पुकार रहे हैं तो केवल पुकार ही रहे कि मेरे लिए कुछ और भी कर रहे तुम तो सुन के आयो बताओ। वो गोपी कहती है केवल पुकार ही नहीं रहे वो तुम्हारा नाम अपनी बंशी में गा करके आंखों से आंसू गिरा रहे और क्या कर रहे सखी सुनो नाम समेतम कृत संकेतम गाते ते मृदु भेरु बहु मन से तन से तन संगत पवन चलित मपिरेणु
पति बने बनमानी गोपी पीन पयो धर मर्दन चंचल कर युग शानी। थोड़ा धीर समय घाट पर जमुना के किनारे श्याम सुंदर गोपियों के पीन पयोधर का मर्दन करने वाले गोपियों को प्रेम प्रदान करने वाले श्याम सुंदर तुम्हारा नाम गा रहे अपनी बंसी पर और स्नेह से आंसू भरे हुए तुम्हारे तुम अब तुमको याद कर रहे हैं श्री राधा। राधा पूछती और श्याम सुंदर ने कुछ कहा है? सुनो सखी वे तुम्हारा नाम जिस समय गाते हैं और उस समय कहीं एक पेड़ की पत्ती यदि गिर गई और पेड़ की पत्ती के गिरने की खोखने की आवाज आ गई तो कन्हैया सशंकित होकर के देखने लग जाते हैं और देख करके सोचते हैं शीत आ रही है और कहने लग जाते हैं पतति पतत्रे विजनति पत्रे शंकित भवतु प्रयानम् रचयति शयनम् सचकित नयनम् रचयति शयनम् सचकित नयनम् पश्यति तव पन्थानम्। वो पत्ती की गिरते ही समझते हैं कि श्री किशोरी जी आ रही हैं और जब समझते हैं कि आप आ रही हैं तो क्या करते हैं रचयति शयनम् वे आपके लिए शैया बनाने लग जाते हैं कोमल कोमल पत्तियों और फूल की और चकित चकित होकर देखने लग जाते हैं कि कहाँ है श्री जी कहाँ है श्री जी। रचे अतिशयनम सचकित नयनम पश्यति तव पन्थानम् धीर समीरे जमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपी तीन पयो धर मर्दन चंचल कर युग शानी। तब श्री जी पूछती है सखी वे हमारे लिए शैया बनाते हैं और मुझे देख रहे मेरे रास्ते को देख रहे हैं तो क्या मैं अब चलूं? तो सखी कहती हाँ चल। पयो धर मर्दन चंचल कर युग शानी। सखी समझाती है कि तुम यदि नौकरों की आवाज नहीं होने दोगी तो निश्चित ही श्याम सुंदर की इस दशा का दर्शन कर लोगी और तब श्री राधा ने दबे पांव धीरे 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 जाती है और कन्हैया किस तरह से राधा का नाम पुकार करके और बार बार देख रहे रास्ते को फूलों की शैया बना रहे ये दर्शन किया है और श्री जी जब पांव से दौड़ती है भारतार परिश्रस्त तब श्यामा श्याम का मिलन हुआ है। भक्तों ऐसे श्री राधा कृष्ण के संबंध में बहुत लीलाएं हैं। ये जो मैंने आपको सुनाया ना ये महाप्रभु चैतन्य को अति प्रिय महाप्रभु चैतन्य को जब उनके भक्त लोग ये सुनाते थे जो मैंने अभी आपको सुनाया पर महाप्रभु मिलन संतप्त होकर पुकारने लगते हा राधा हा कृष्ण और फिर थोड़ी देर के बाद मूर्छित हो जाते और उन्हें प्रतीत होता कि वे भगवान से आलिंगन करते हुए मिले हुए। ये श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रेम से गाते हैं और भगवान के इस मिलन को बड़े प्रेम से गाते के हृदय में भगवान श्यामा श्याम के मिलन का ध्यान करते हैं। रासलीला में शुकदेव भी वर्णन करते हैं कन्हैया ने जब गोपियों को अपने पास में बिठाया है और गोपियों को अपनी निजी समझ करके निज प्रिया समझ करके उनका श्रृंगार करना शुरू किया है। एक एक गोपी का बेली गुंथन पुष्पहार से उनका श्रृंगार उनके वस्त्र परिधान से उनको सुसज्जित करना उनके नुपुर और आभूषण को उनके अंगों में ठीक ठीक पहनाना और फिर जिन गोपियों को प्रस्पेद बिंदु पसीना आ गया था उनको अपने निज पीतांबर से पहुंचना ये सब किया ठाकुर जी ने। गोपियों की सौभाग्य की सीमा इतनी अधिक बढ़ गई कि गोपियां प्रेमाधिक्य के कारण एकदम प्रेम विघोर होकर के नृत्य बंद करके अश्रु विसर्जन कर रही लेकिन उसी समय पता नहीं क्या प्रभु की लीला कि गोपियों के मन में अभिमान जगा। अभिमान ये जगा कि दुनिया में इतनी अधिक महान दूसरी कोई नहीं होगी। इसीलिए तो हमें श्याम सुंदर ने वो सौभाग्य प्रदान किया जो किसी को नहीं दिया। ये बात भी सच्ची थी लेकिन अभिमान भजन का भी नहीं होना चाहिए अभिमान भक्ति का भी नहीं होना चाहिए
अभिमान अपनी साधना का भी नहीं होना चाहिए। और यदि ये हो गया तो ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए अलगाव कर लेते। बस जब गोपियों के मन में अभिमान जगा है भक्तों, उसी समय तत्र भगवान अंतर्धान हो गए और सबकी सब गोपियां रो पड़ी, सब चीखने चिल्लाने लगी, कन्हैया तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए। अब गोपियां भगवान को खोजने चली है तो प्रेमोन्माद में डूब गई। प्रेमोन्माद का तात्पर्य प्रेम का पागलपन, और प्रेम के पागलपन में ऐसी नशे में है जैसे कृष्ण प्रीति रस की मदिरा को आकंठ पान की है। और क्या बोल रही है, क्या चर्या करती है, कैसा कहती है करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई गोपी प्रेमोन्माद में बोलती मैं पूतना हूं, और कोई गोपी कहती मैं कन्हैया हूं तुझे अभी मारती। ऐसे तमाम जो भगवान की लीलाएं हुई थी वो उनके हृदय में स्फुरित होने लग गई। और वे गोपियां भगवान को खोज रही, खोजती खोजती पहुंचती पीपल के पास। कहती ये पीपल, क्योंकि रात में तो सब सो रहे थे, वो ब्रह्म रात्रि थी, भगवान की योग माया के द्वारा सबको सुला दिया। पीपल के पास पहुंच कर गोपी कहती हे पीपल, तुम तो भगवान की विभूति हो ना, अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद गीता के दशरथ, तुम भगवान की विभूति हो, तुम बताओ कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए, तो पीपल का पत्ता जोरों से खड़खड़ाया है। तो गोपियों ने कहा ये बार बार सिर हिला के कह रहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, चलो यहां से, ये हमारी पीड़ा को समझने वाला नहीं। स्त्री की पीड़ा को स्त्री ही समझ सकती है। ये सामने तुलसी है ना, तुलसी से पूछे, क्योंकि सब मनुष्य जीव जंतु तो सो रहे हैं। तुलसी के पौधे के पास गई और तुलसी से जाके हाथ जोड़ के कहा हे तुलसी, तुम ही बता दो श्याम सुंदर जी कहाँ है, हमें छोड़ के कहाँ गए। तो तुलसी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो गोपियों ने कहा ये तुलसी को हमसे सौतिया डाल है, क्योंकि ये भी नारायण की प्रिया है और हम भी। ये सौतिया डाल के कारण नहीं बोल रही है, छोड़ इसको, अब हम लोग खुद खोजें। और आगे गोपियां चलती हैं तो बालू मोन के श्री राधा और कृष्ण दोनों के चरण चिन्ह बनते हुए आगे चले गए दिखलाई पड़े। राधा का नाम नहीं बताया, संकेत में सुखदेव जी कहते हैं मन राधि तो नूनम भगवान हरि ईश्वर अन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन अद्र। एक अन्य गोपी जिसने भगवान की विशेष आराधना की है उसको लेकर के प्रभु सब गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए हैं। और वो गोपी कौन है, श्री राधा रानी। उन्हें वही केवल मां नहीं और सब गोपियां परस्पर एक दूसरे के साथ हैं और रुदन करती हुई चल रही हैं। भक्तों आगे वर्णन है, सर्व सिद्धार्थ निकाला जाए तो श्लोक में वर्णन है कि श्री राधा जी पूछती है गोपाल कहाँ तक चलना है। तो श्याम सुंदर कहते हैं आगे जो गहवर वन के लताओं का वितान सुंदर हरा भरा पुष्पाच्छादित देख रही हो ना, उसी के अंदर चल करके हम बैठेंगे, वहीं विश्राम करेंगे। श्री जी ने कहा वो बहुत दूर है कन्हैया, मैं चल नहीं पाऊंगी, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। ऐसा शब्दों का सीधा अर्थ निकाला जाए तो ऐसा वर्णन है। और आगे ऐसा मिलता है कि राधा जी को छोड़ के प्रभु अंतर्धान हो गए। लेकिन भक्तों ये इसका ऊपर ऊपर का अर्थ है। गंभीर अर्थ यदि लिया जाए तो श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार ये उचित अर्थ नहीं। वे कहते हैं कि भगवान श्री जी को कभी छोड़ ही नहीं सकते, श्री जी को साथ में लेकर के गए, किंतु एक विरह होता है वियोग का विरह, एक विरह होता है वियोग का विरह। वियोग के विरह का क्या मतलब है कि छोड़कर कोई चला गया तो कष्ट हो रहा हो, वियोग का विरह। और एक होता है संयोग जनित वियोग का विरह, संयोग जनित वियोग का विरह। इधर गुण बातें हैं। एक होता है
संयोग जनित संयोग का आत्मिक सुख और एक होता है वियोग जनित संयोग का आत्मिक सुख। और संयोग में संयोग तो समझ में आता है, वियोग में संयोग कैसा होता है? वियोग हो गया है, हाथ में नहीं है, लेकिन ध्यान में सोचते 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 ऐसा लगने लगा कि मिल गए, और मिल गए हैं। अब मिलने का जो आनंद मिले नहीं है, लेकिन चिंतन के कारण जो मिलने का आनंद मिल रहा है, ये वियोग जनित संयोग का आनंद है। एक तो वियोग में वियोग फिर है, चले गए तो दुख हुआ, और एक अजब शोक फूटा है, वो उनके सुंदर रुदन युक्त गायन के साथ प्रस्फुटित हुआ है, उसको गोपी गीत कहा गया है।